क्या आप लोगों को पता है आर्म स्पीड दो तरह के होते हैं, एक जो रन अप बेस बॉलर यूज करता है जो क्रीज से तेज होते हैं, वो रिएक्टिव टच का यूज करता है बैकफुट से, उनका बैकफुट खाली मिनिमम से मिनिमम टाइम स्पेंड होता है उनके बैकफुट में, ठीक है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है एक्शन, ये देखो ये टच हुआ, ये आर्म स्पीड तेज हो गई। यहीं से पूरा रोल है एक रन अप बेस बॉलर का आर्म स्पीड तेज होने का, वरना आप कुछ भी कर लो कोई इंप्रूव नहीं होगा आपका आर्म स्पीड, अगर आप बैकफुट से तेज रिएक्ट नहीं कर पा रहे अपने बॉडी को, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखो। इसके लिए आप ये एक्सरसाइज देख सकते हो, रिएक्टिव ट्रेनिंग, रिएक्टिव मतलब ग्राउंड से कम समय आपको टाइम स्पेंड करना है ग्राउंड पे, ठीक है, आपका जो दोनों टो है ना उस पे कम से कम समय टाइम स्पेंड करने का ट्राई करवाना है, इससे आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। रन अप बेस बॉलर जो क्रीज से तेज है, जिनको तेज निकलना पसंद है क्रीज से, अगर आप आर्म स्पीड को अपना इंप्रूव करना चाहते हो, उसके बाद आपको बॉलिंग जरूर करनी है, दो तीन स्टेप से रेगुलर आपको बॉलिंग करना है, देन अप्लाई करते रहना फुल रन अप, तो देखो ऑटोमेटिक आपका आर्म स्पीड तेज हो जाएगा। दूसरा आर्म स्पीड होता है जो होता है क्रीज वाला, जो अपने बैकफुट पे रुकते हैं, जो अपने बैकफुट के हिप का और अपने बॉलिंग आर्म को स्ट्रेच पूरा पीछे से रेंज बना के लेके आते हैं, उसे कहते हैं दूसरा आर्म स्पीड। जो मार्क वुड यूज करते हैं, जो एंड्रिक नोकिया यूज करते हैं, जो नीरज चोपड़ा यूज करते हैं, यू कैन सी, देख रहे हो इनका पूरा रेंज बन जाता है पीछे एरिया से, देख रहे हो ना, पूरा पीछे से खींच के मारते हैं। तो दो तरह के आर्म स्पीड होते हैं, एक तो बैकफुट तेज होने वाला और एक जो पूरा बॉलिंग आर्म को स्ट्रेच करने वाला।